ये हैं जी असलम अंकल, जो ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के, और उनके साथ उनका छोटा बेटा है। पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो सिर्फ, बाकी साइज भी इसका पंजाबियों वाला ही है जी। यहाँ पर हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। सलाम एवरीवन। सो इस वक्त मैं हूँ इटली के अंदर, और आज का प्लान बहुत ही स्पेशल है। आज मैं जा रहा हूँ फ्लोरेंस सिटी एक्सप्लोर करने, तो अभी बस वहाँ के लिए निकलते हैं। वहाँ पर जाएंगे, फ्लोरेंस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ पर एक ब्रिज है, पोंते वेकियो, बहुत ही फेमस ब्रिज है और बहुत ही लकी ब्रिज है। वो वर्ल्ड वॉर टू को भी सर्वाइव कर गया था, इतना लकी ब्रिज है। एंड बाय द वे, दिस इज़ द कार दैट आई हैव रेंटेड। ओके, सो अभी मैं जा रहा हूँ आसिम भाई को पिक करने। जो लोग व्लॉग्स पहले से देख रहे हैं उनको पता है वो कौन है। आसिम भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, बस बाल छाल अपने सीधे कर रहे हैं, कैमरे में आने से पहले हो गए हैं जी सीधे। हाँ जी ठीक है। ये हैं जी आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। खुश नजर आ रहे हैं, आज फ्लोरेंस जा रहे हैं, इनको भी घूमने फिरने का शौक है। सफर पे निकलने से पहले आए हैं लिटिल मार्केट, यहाँ से थोड़ी सी चीजें ले लें, क्योंकि जो स्टॉप ओवर्स आते हैं मोटरवे के ऊपर वो तो बहुत ही महंगे होते हैं। ये देखें जी, आसिम भाई का जो नाक है ना, ये टूट गया है। रात को ये लड़की छेड़े थे तो उसने सीधा ही मुक्का मारा है इनके मुंह के ऊपर। वो जो है ना सीढ़ियों से गिर गया हूँ। आसिम भाई वो क्रोसॉन्स देखें जो चॉकलेट फिल्ड होते हैं, वो किधर पड़े हैं? ये वाले लेते हैं हमेशा, दीज आर गुड। आसिम भाई ने जो है वो हनी वाले भी ढूंढ लिए हैं, और हनी को कहते हैं मियेले। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। ये मिल रही है जी 2.99। आसिम भाई कुछ पीने के लिए भी पकड़ लें, पानी पीते हैं कुछ और भी कभी कभी पी लेते हैं, एक्वा मिनरले। चलें जी, आसिम भाई ने जो है इस बुजुर्ग को जगह दी है आगे जाने की, अच्छे आदमी है आसिम भाई। ये जो मुक्का पड़ा है ना आपकी नाक पे, उसके बाद आप जरा अच्छे इंसान बन। आसिम भाई आज फ्लोरेंस के अंदर आपको एक ब्रिज दिखाएंगे, और वो मेरे ख्याल से दुनिया का लकीएस्ट ब्रिज है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू भी उसने सरवाइव की थी, खाली वही ब्रिज बच गया था उस एरिया के अंदर। ये जी फ्लोरेंस जाते हुए जो रास्ता है, उधर बहुत से माउंटेन्स और टनल्स आते हैं। ये पिछले कोई 2-3 मिनट इस टनल में गाड़ी चलाने के बाद ये लाइट नज़र आई है। रास्ता खूबसूरत है ये वैसे फ्लोरेंस जाते का, पहाड़ों के बीचों बीच एक और टनल आ गया। जैसे ही दूसरे टनल से निकले हैं उसके सामने तीसरा टनल भी स्टार्ट हो गया, तो आधा सफर टनल्स के अंदर ही गुजर गया। आसिम भाई कोई 25 किलोमीटर्स के बाद ना मैकडोनल्ड्स आ रहा है, खाना वहीं से खा लेते हैं, फिले फिश मील, और उसके बाद जरा मैकफ्लरी ओरियो भी खाते हैं। खामोश हो गए हैं, इसका मतलब है भूख लग गई है आपको, लगी हुई है ना। यहाँ से मेरे ख्याल से टर्न लेना है। चले जी, सफर आपका जो है ना वो अब रंग ले आया है फाइनली जी। 3 घंटे के बाद कुछ खाने लगे हैं अब। इधर तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। ये है जी फ्लोरेंस। फ्लोरेंस जो है वो टस्कनी रीजन में, और टस्कनी रीजन पूरा ही बहुत खूबसूरत है। ओके, सो फाइनली हम फ्लोरेंस पहुंच गए हैं, और पहुंचते पहुंचते तो रात हो गई है। अब जा रहे हैं इनके मेन प्याजा की तरफ, वो सराउंडिंग एरिया सारा एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद वो ब्रिज देखेंगे कि जो वर्ल्ड वॉर टू में भी बच गया, उसके देखेंगे क्या वजह उसकी खुशकिस्मती की। आसिम भाई लगता है इस गली में जाना है, सबसे ज्यादा रश इधर है, जाना चाहिए इधर, गुजरने की भी जगह नहीं है। ये है जी हिस्टोरिक सिटी सेंटर फ्लोरेंस का, और अभी हम मेन प्याजा की तरफ जा रहे हैं। बहुत रश है यहाँ पर, गलियों से ही आइडिया हो रहा है कि आगे क्या सीन होगा। मैंने तो मास्क फौरन ऊपर कर लिया, मैंने कहा रश है कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इट्स बेटर के मास्क ऊपर ही कर। आसिम भाई का जो मास्क है वो आधा नीचे आधा ऊपर है, इसको नाक के ऊपर करें ना आसिम भाई। हाँ अब ठीक है। डोमो का जो वो गुम्बद टाइप बनाया हुआ है वो नजर आ रहा है, जूम इन करते हैं। ये देखें जो गलियों में कॉरिडोर्स हैं, उधर इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। लोकली मेड बैग्स और बेल्ट हैं लेदर के। आसिम भाई और मैंने डिसाइड किया है कि उस ब्रिज पे जाने से पहले एक इधर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, उधर खाना खा लेते हैं, और उसके बाद फिर उस ब्रिज पे जाएंगे। एक्चुअली आसिम भाई को ज़रा भूख लग जाए ना तो बोलना छोड़ देते हैं, मैकडोनल्ड्स खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए पहले इनको खाना खिलाते हैं फिर आगे चलते हैं। आसिम भाई काफ़ी सालों पहले मैं आया था, तो मुझे अब रास्ता तो एग्जैक्टली याद नहीं है उस पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का, लेकिन आगे से मेरे ख्याल से लेफ्ट होएंगे तो आ जाएगा। ये है जी वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, तंदूरी रेस्टोरेंट है इसका नाम, मदीना रेस्टोरेंट। ये है जी इंटीरियर इस रेस्टोरेंट का, और इधर उन्होंने मज़े मज़े की चीज़ें एंट्रेंस के अंदर ही रखी हुई हैं। चेक करें ज़रा, पकौड़े भी पड़े हुए हैं, बैंगन वाले, आलू वाले, और ये कबाब लग रहे हैं। ये हैं जी असलम अंकल, जो ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के, और उनके साथ उनका छोटा बेटा है। आज से कोई 7-8 साल पहले मैं फ्लोरेंस आया था, एंड दे वर अमेजिंग होस्ट। इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर मुझे खाना खिलाया, उसके बाद गाड़ी में बिठा के पूरा फ्लोरेंस इन्होंने घुमाया, हालांकि इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे जानते भी नहीं थे। सो इज़ अ रियली नाइस पर्सन। अगर आप में से कोई फ्लोरेंस आए तो मदीना रेस्टोरेंट आप ज़रूर आइएगा। कितनी देर से चला रहे हैं जी रेस्टोरेंट ये? 19 ईयर से। हैदर भी कुछ बोलना चाह रहा है, याद है जब मैं आया था यहाँ पर फ्लोरेंस हैदर? थोड़ा थोड़ा याद है लगता है, भूल गए हो। घर में चाय भी पी थी, घर में भी ले गए थे। अब देखें एक स्ट्रेंजर को कोई घर लेके जाता है। माइकलांजेलो गए थे, माइकलांजेलो का तो याद है। माइकलांजेलो इधर एक स्पॉट है ऊपर माउंटेन के अंदर, जहाँ से फ्लोरेंस सिटी पूरी नजर आती है, तो
तो हम लोग वहाँ पर गए थे, तो ये हैदर को याद है, ये तो बिल्कुल छोटा सा होता था। पाकिस्तान से जो लोग आते हैं वो सिर्फ हमारे कस्टमर नहीं, हमारे चीफ गेस्ट भी होते हैं। और ये ऐसे ही है, ये पाकिस्तानियों को एज ए चीफ गेस्ट ही डील करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हमें इंशाल्लाह दे, इंशाल्लाह। तो ये तो एक बिजनेस भी है, लेकिन हम साथ साथ खिदमत खलक भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें जी, बड़ा मज़े का चीज़ नान इन्होंने यहाँ पर बनाया है। पकौड़े तैयार हो रहे हैं, ये किसके लिए तैयार कर रहे हैं जी? ये है, ये कोसोवा के लोग, कोसोवा मैसेडोनिया, यहाँ का अलेक्जेंडर था, ये उस मुल्क से आए हैं। तो ये आलू वाले? हाँ जी, ये आलू वाले पकौड़े हैं। इधर भी देखें आपने, ये क्या चिकन रोस्ट रखा हुआ है, ये पोटैटो रोस्ट है, बैंगन वाले पकौड़े, वाह जी वाह। ये आगे तोरी वाले पकौड़े हैं, आगे फलाफल है, पूरा सिस्टम जो है लाहौरी स्टाइल। ये समोसे भी है साथ। ये जी यहाँ पर हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है। आसिम भाई जो हैं वो तो किचन की तरफ ही देखी जा रहे हैं। यार आसिम भाई कमाल हो गई, आ जाता खाना सुन कर। यहाँ पर जी नान बनते हैं, अभी ये बनाएंगे हमारे लिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, स्पेशल प्यार होता है कि जो ये ओनर हैं यहाँ के, लेकिन हमारे लिए नान ही अपने हाथों से लगा रहे हैं। ये तो वाकई आपने चीफ गेस्ट वाला ट्रीटमेंट दिया है, क्या बात है जी। आप लगता है शुरू में आप ही नान लगाते रहे यहाँ पर। तैयार हो गया नान, जबरदस्त। आसिम भाई के दिल में था कि ये बातें किसी तरह ख़त्म हो जाएं और वो खाना शुरू कर दें। ये देखें जी पंजाबी नान। वाकई साइज भी इसका पंजाबियों वाला ही है। ये हमारे वो इतना बड़ा नान खाते थे, इसके बाद मुझे बताएं लंच के लिए गुंजाइश बचेगी अगर ये एक बंदा एक खा जाएगा तो। ये हमारा स्पेशल पंजाबी नान। अच्छा वैसे प्राइस क्या है इसकी? ये €3 का। ये देखिए जी स्पेशल कार्डमम टी इन्होंने बनवाई है, और ये कप के ऊपर ही कप रखे हुए आपने, क्या बात है। जबरदस्त आसिम भाई, पकड़ सकते हैं ऐसे भरे हुए कप आप, क्या बात है जी। आसिम भाई टेस्ट करके जरा बताएं कैसी है? गरम है, जरा ध्यान से पिए हैं। सीरियसली ये जी चाय चेक करते हैं कैसी है। जबरदस्त कार्डमम टी है और बहुत मजे की है। ठीक है जी, अस्सलाम अंकल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फाइनली अब खाना खाने के बाद हम उस ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, पोंते वैक्यू शायद उसका नाम है, उधर जाते हैं देखते हैं उसको। एक अमेजिंग फैक्ट मुझे इस कैथेड्रल के बारे में पता चला है, और ये जगह कितनी लिट है, आप देखें कैसी ज़बरदस्त आइसक्रीम शॉप है। आसिम भाई मैं तो कहता हूँ भंगड़ा डाल के आप इनको हैरान कर दें।